हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बाजार से भी अच्छा और टेस्टी चिल्ली पनीर अपने घर पर बना सकते हैं और ये बनाना बहुत ईजी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं फूडी गॉड। गाइस, यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च लिया है जिसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आपको ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, बिल्कुल ऐसे स्क्वायर शेप में इस तरह से आप काट लें, देखिए इस तरह से बिल्कुल। और इसके बाद मैंने यहाँ पर दो प्याज लिया है जिसे भी हम इसी शेप में काट लेंगे, इसी शेप में, ये देखिए इस तरह से। आपको ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं, इसी मीडियम साइज में, बिल्कुल सेम साइज में, और इस तरह से हमसे अलग अलग कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए गाइस। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिसे भी हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे, ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल बारीक बारीक काटना है आपको, और बिल्कुल सारा इस तरह से काट के अब हम पनीर काटेंगे। तो ये मैंने 300 ग्राम तकरीबन पनीर लिया है जिसे हम पतले पतले स्लाइसेस निकाल लेंगे पहले इस तरह से, ये देखिए। और इसके बाद हम इसे, ये देखिए, इतना ही हमें कट करना है, ज़्यादा मोटा नहीं काटना है और ज़्यादा पतला भी नहीं काटना। अगर आप ज़्यादा पतला काट देंगे तो ये पनीर सारे टूट जाएंगे, और हमें ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना है, नहीं तो पनीर कुरकुरे नहीं होंगे। तो इसलिए इस तरह से हमें मीडियम साइज़ में इस तरह से अलग कट कर लेना है, ये देखिए गाइस बिल्कुल ध्यान से, ये देखिए। उसके बाद मैंने 1 चम्मच अरारोट लिया है कॉर्नफ्लोर, इसे हम मिक्स कर लेंगे ऐसे ही, आपको हाथ नहीं लगाना है, ऐसे ही मिक्स करना है, हाथ लगाएंगे तो टूट जाएगा पनीर, इस तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम ये क्या करेंगे ना, हम एक एक करके सबको अलग अलग कर देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना 10 मिनट के लिए। उसके बाद हमारा तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें एक एक करके सारे ही डाल देंगे। आपको ध्यान रखना है जब आप तेल में पनीर को ऐड करें तो आपको इसमें चलाना नहीं है बिल्कुल भी, अभी नहीं चलाएंगे जब तक इसका कलर हल्का ब्राउन नहीं हो जाता, जब तक कि थोड़ा हार्ड नहीं हो जाता तब तक हम इसे चलाएंगे, ये देखिए गाइस। अगर ये आपस में चिपक भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे बाद में अलग कर लेंगे तेल से निकालने के बाद। अभी हम देखिए इस तरह से पलट लेंगे, ये देखिए हमें इतना ही कलर करना है दोनों साइड से, ये देखिए गाइस इस तरह से। अब हम इसे तेल से बाहर निकाल के हम इसे अलग अलग कर लेंगे, ये देखिए गाइस मैंने यहाँ पर अलग अलग कर लिया है तेल से, ये देखिए सारे पीसेस बिल्कुल कुरकुरे बने हैं। अब हम इसी पैन में लहसुन और हरी मिर्च को 1 से 2 मिनट पकाएंगे, और उसके बाद में प्याज, हमें प्याज ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट ही हमें तेल में फ्राई करना है इसी तरह से। और इसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगा, शिमला मिर्च भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, हाफ कुक ही करना है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च लिया है और थोड़ा सा बिल्कुल ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, इस तरह से हमें मिक्स करना है, ये देखिए गाइस। यहाँ पे आपको नमक ऐड नहीं करना है अभी। और यहाँ पर मैंने ये 1 चम्मच सोया सॉस लिया है, ये देखिए गाइस। अब हम इसे मिक्स करेंगे, सोया सॉस अच्छी तरह से मिक्स करना है, आपको ज़्यादा देर नहीं करना है, 1 मिनट में ही हो जाएगा काम। ये मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसका मैंने ये पानी डाल के पेस्ट बना लिया था, तो अब इसमें ये मैंने थोड़ा सा कलर ऐड करा है, ऑरेंज कलर है, ऑप्शनल है, वैसे कलर डालने से बहुत अच्छा लुक आता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस दो मिनट ही पकाएंगे, ये देखिए गाइस। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच विनेगर भी ऐड करा था, ये देखिए इस तरह से हमारा जो है ये गाढ़ा होने लगेगा, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, बिल्कुल गैस को आपको बिल्कुल लो में करके रखना है, नहीं तो ये एकदम से हार्ड हो जाएगा, ये थिक हो जाएगा। ये मैंने अब मैंने नमक ऐड करा है, यहाँ पर मैंने नमक ऐड करा है। उसके बाद ये देखिए गाइस, अब हम ये सारे डाल देंगे पनीर के हमने जितने भी पीसेस थे, इस तरह से हमें ऐड कर लेना है, और हमें 1 मिनट ही पकाना, अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो ये हमारा जो पनीर है वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, ये देखिए गाइस 1 या 2 मिनट ही पकाना है। इस तरह से अब हम इसे प्लेट में सब निकाल लेंगे, ये देखिए गाइस बिल्कुल बहुत ईजी है बनाना, आप ट्राई करें घर में, ये देखिए गाइस बहुत अच्छा बना है। गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक कर देना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।